Hello, Namaste. Welcome back to day 16 of Yoga Basics. I am D. You are watching D Yoga Fitness. So friends, today we are going to practice chair pose, जिसे कि उत्कटासना कहते हैं. एक बहुत ही बढ़िया balancing posture है. अगर ये वाला like आसन आप regular practice करेंगे, like आपका thighs में, legs में and like spine में overall strength मिलेगा. Not only strength, also like it will cure you from so many diseases. So ये वाला आप regular practice कीजिए. So without delay, let's move to practice. So friends, chair pose के लिए पहले हमें क्या करना है कि पहले हमें ताड़ासना पे आप समस्त स्थिति में से खड़ा हो सकते हैं, नहीं तो ताड़ासना पे आप खड़ा हो सकते हैं. खड़ा होने के बाद मेक श्योर चेयर पोज में, जैसे कि चेयर पे चार लेग होता है, अभी हम दो लेग में चेयर पोज करेंगे. सो मेक श्योर आपका दोनों लेग्स सही तरह स्ट्रांग है, आपका थाई स्ट्रांग है. अगर आपका लेग्स आप वार्म अप नहीं किए तो थोड़ा एंकल स्ट्रेच कर लीजिए. ओके, थोड़ा लाइक नॉर्मल स्ट्रेच कर दीजिए लेग. सो बेटर बिफोर गोइंग टू फाइनल पोस्चर वी शुड हैव ऑलवेज लाइक वार्म अप करना चाहिए हमें. रिलैक्स, थोड़ा नी को रोटेट कर दीजिए. So, अभी क्या करना है, दोनों लेग्स जॉइन करना है फिट टुगेदर. एंड आपका जो लेग्स का फाइव जो टोज है आराम से ओपन करके पूरा मैट के साथ ऐसा होल्ड कीजिए. कैच, जैसे हम कैच करते हैं ऐसा पूरा प्रेस कीजिए. आराम से वाटर होना चाहिए आपका दोनों फिट. देन धीरे धीरे नीचे से हमें स्ट्रांग करना है. हमारा नीज, हमारा थाइस पूरा एंगेज करेंगे, टाइट करेंगे. देन यहाँ पे आपका हिप जो है पीछे करके, जैसे हम चेयर में बैठते हैं ऐसा बैठना शुरू करेंगे. यहाँ पे आप नमस्कार स्थिति भारत रखिए. देन धीरे धीरे आप पीछे बैठना शुरू कीजिए. तो यहाँ पे आके थोड़ा रुकिए. देन आपका एब्डोमिनल यहाँ पे देख सकते हैं, आपका लोअर बैक आगे हंच हो रहा है सर. सो यहाँ पे आपको ऐसा टक करना है बैक. ओके, एंड मेक श्योर आपका जो नीज है वो लाइक 90 डिग्री के अंदर है. ज़्यादा ऐसा आगे ना जाए, नहीं तो आपका नी इंजरी होगा. सो मेक श्योर 75 का आसपास होना चाहिए. सो यहाँ पे आप हिप टक कीजिए, ऐसा चेस्ट ऊपर कीजिए. नमस्कार में आप कुछ देर प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा स्टे कीजिए. आराम से आप ब्रीदिंग लीजिए. इनहेल एक्सहेल. थोड़ा यहाँ पे रुकने के बाद आप आपका हाथ ऐसा ऊपर उठा सकते हैं. देन आप ऊपर देखिए, सांस लीजिए आराम से. इनहेल एक्सहेल. 1 2 3 4 5. इनहेल वंस, एक्सहेल. हाथ ड्रॉप कर दीजिए नीचे. इनहेल वंस, कम टू नॉर्मल स्टैंडिंग पोस्चर. देन थोड़ा रिलैक्स कीजिए आपका बैक. रिलैक्स. सो बहुत ही बढ़िया पोस्चर है. आपका बैक में पूरा लाइक स्पाइन में स्ट्रेंथ आएगा. सो प्रैक्टिस कीजिए जरूर ये वाला आसना. रिलैक्स. सो अगेन विल प्रैक्टिस वन मोर टाइम. सो अगर आपका लाइक चेयर पोस्चर पे इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल जॉइनिंग लेग्स, सो आप थोड़ा लाइक आपका लेग ऐसे ओपन कर सकते हैं. बट बेटर आई विल लाइक सजेस्ट आप दोनों लेग ज्वाइन कीजिए. सो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा. अगर आपका नी में पेन है, इंजरी है, सो यू कैंट स्टे फॉर लंगर टाइम. सो डोंट प्रैक्टिस. थोड़ा लाइक 2 सेकेंड 3 सेकेंड ट्राई कीजिए, देन रेस्ट लीजिए. सो ग्रेजुअली इंक्रीज योर प्रैक्टिस. सो अगेन प्रैक्टिस, आराम से सांस लीजिए. जॉइन बोथ द लेग्स. ओके, नाउ नमस्कार स्थिति पे आ जाइए. आपका शोल्डर हमेशा आगे ऐसा मत रखिए. शोल्डर खड़ा होने के बाद पूरा रोटेट करके पीछे ऐसा चेस्ट आगे कर दीजिए. नमस्कार स्थिति पे आ जाइए. देन चेयर पे बैठते जैसा बैठ जाइए आराम से. मेक श्योर आपका हिप पीछे जा रही है, ग्लूट आगे ऐसे नहीं आ रहा है. ओके, देन यहाँ पे आपका देन फिक्स करेंगे हमारा लोअर बैक एंड एब्डोमिनल कैसे. अब यहाँ पे देखिए आ गया है लोअर बैक, हम कोर टाइट करेंगे ऐसा लोअर बैक सीधा हो जाएगा. देन इनहेल करके यहाँ पे थोड़ा फिर से स्टे करेंगे. इनहेल वंस, एक्सहेल.
अगेन हाथ ऊपर कर देंगे, स्टे हियर टिल 5 to 10 ब्रीथ्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आप ऐसे ऊपर देख सकते हैं, नहीं तो स्ट्रेट भी देख सकते हैं. सो नाउ इनहेल वंस, एक्सहेल, रिलैक्स. सो गाइस, ये वाला आसन आपको मदद करेगा आपका वेट लॉस के लिए ऑल्सो. सो जरूर प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे बेनिफिट्स है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू टुमारो, बाय बाय.